माता जी, दोस्तों आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे उन मंत्रों के और नाम के बारे में जो खुद भगवान राम ने ही बनाए थे और जाप किया था। इनका बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है, बल्कि अगर आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा समस्याएं बनी रहती हैं तो दोस्तों यह 12 नाम अगर आप रोजाना जाप करते हैं तो इससे आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमत्कार देखने को मिलते हैं। लेकिन किस प्रकार किया जाता है, किस प्रकार कौन सी समस्या के लिए अलग अलग तरीकों से इन नाम का जाप किया जाता है जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि आकर्षित होती है, यह खुद भगवान राम ने जाप किए हैं, बनाए हैं, इसीलिए इनका बहुत ही ज्यादा महत्व माना जाता है। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं जिससे आपको यही सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले मिला करे। भगवान हनुमान को चिरंजीवी माना जाता है जो कि कलयुग में भी मौजूद देवता हैं, इसीलिए इनसे जुड़ी हुई जितनी भी चीजें होती हैं ये बहुत ही जल्दी असर दिखाने वाली होती हैं, बल्कि जिंदगी को ही बदल कर रख देती हैं। जब भगवान हनुमान ने लक्ष्मण को बचाया था जो कि कोई भी नहीं कर पाया था, उस काम को भगवान हनुमान ने किया था, तो उसी समय भगवान राम ने खुश होकर हनुमान जी के ऐसे नाम बनाए और जाप किया जिससे जो कोई भी इन नाम का जाप करता है, रोजाना इन्हीं नामों से शुरुआत करता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं है। लेकिन इन नाम से अलग अलग तरीकों से ही जाप किया जाता है अलग अलग समस्या के लिए, और यही काफी लोगों को पता नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे कि कौन सी समस्या के लिए किस प्रकार आपको जाप करना है, क्योंकि यह 12 नाम इतने ज्यादा चमत्कारी हैं कि इनको सिर्फ लेने मात्र से आपका डर एकदम गायब हो जाता है, और ये आप खुद भी कर देख सकते हैं। जब भी आपको बहुत ज्यादा डर लगता है, रात के समय बिल्कुल भी नींद नहीं आती है, तो ऐसे समय में दोस्तों आप इन नाम का जाप कर देखें और खुद ही बदलाव को महसूस करें। बल्कि जो भी व्यक्ति रात को सोने से पहले इन नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के दुश्मन नहीं रह पाते हैं, बल्कि जो लोग उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें परेशान भी नहीं कर पाते हैं। यही इन नाम की महिमा है जो खुद भगवान श्री राम ने बताई है। भगवान हनुमान अष्ट सिद्धि और नव निधियों के दाता हैं, और उनका कठोर परिश्रम और भगवान राम के प्रति पूर्ण भक्ति यह दर्शाती है कि भगवान हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जो भी लोग रोजाना भगवान हनुमान का जाप करते हैं, इन 12 नाम का जाप करते हैं, उनमें खुद ही बहुत ही ज्यादा बदलाव आना शुरू हो जाता है, और वे खुद भी बहुत ही ज्यादा अच्छे बनने लगते हैं जिससे उन्हें आगे चलने में, सफलता पाने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। इसीलिए दोस्तों आपको इन 12 नाम का जाप करना बहुत ही जरूरी है, बल्कि आप अगर इन नाम को याद कर लेते हैं और जब भी किसी समस्या में होते हैं, रात को सोने से पहले, सुबह उठने से पहले इनका जाप करते हैं, तो इससे आप खुद ही बदलाव को बहुत ही ज्यादा महसूस कर सकते हैं। कलयुग में अगर भगवान हनुमान के यह 12 नाम कोई भी जाप करता है तो उसकी सभी तकलीफें, सभी समस्याएं खुद भगवान हनुमान दूर कर देते हैं। और यह 12 नाम दोस्तों आप ध्यान से सुने, यह हमने वीडियो में भी दिखाए हैं, लेकिन इन्हें ध्यान से सुनकर आप इन्हें अच्छी तरह से याद कर लें, बल्कि याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप रोजाना सिर्फ 10 दिन तक या 11 दिन तक भी इनका जाप कर लेते हैं तो ये आपके दिमाग में अपने आप ही बैठ जाते हैं, और जब भी आप फिर इनका जाप करना चाहेंगे तो खुद ही आपको सभी कुछ याद हो जाएगा। तो दोस्तों यह नाम है सबसे पहला हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उद्धिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता और दशग्रीव दर्पाह। किस प्रकार आपको यह बोलना है यह हमने आपको बताया है, यह आपको वीडियो में भी दिख रहे हैं, तो दोस्तों इनको अच्छी तरह से आप याद कर लें और लिखकर एक पेज पर भी रख सकते हैं। महाबली बजरंग के इन 12 नामों का जाप करने से लंबे समय से चल रही समस्याएं भी छूमंतर हो जाती हैं। लेकिन अलग अलग समस्या के लिए इन 12 नामों का अलग अलग तरीकों से ही जाप किया जाता है, उसके बारे में भी आप जरूर जान लें कि कौन सी समस्या के लिए किस प्रकार इन 12 नामों का आपको जाप करना है। अगर आपके घर में या आप खुद ही बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ते रहते हैं तो ऐसे में इन 12 नामों का जाप करने से आपको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलता है। लेकिन समय के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले आपको 12 नाम जाप करने हैं,
और यह आपको बिस्तर पर बैठे बैठे ही करना है। जैसे ही आपकी आंख खुलती है आप 12 नामों का जाप कर सकते हैं। इससे आपकी सभी प्रकार की शारीरिक समस्या दूर हो जाती हैं। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी हुई समस्याएं रहती हैं, पैसों की तंगी हमेशा ही बनी रहती है, तो दोस्तों ऐसे में आप अपने ऑफिस में या जहां पर आप नौकरी करते हैं, जहां पर आप बैठते हैं, वहीं पर बैठे बैठे आप इन 12 नामों का जाप किया करें। इससे पैसों की कमी दूर होती है और रुका हुआ धन वापस बनने के योग मिलते हैं। इन 12 नामों का जाप करने से कर्ज से भी मुक्ति मिलती है, लेकिन ऑफिस में या जहां पर आपका बिजनेस है वहीं पर आपको इन 12 नाम का जाप करना चाहिए। अगर आपके घर में बिल्कुल भी प्यार नहीं है, बात बात पर लड़ाई झगड़े होते हैं, ग्रह कलेश बहुत ज्यादा होता है, तो दोस्तों शाम के समय यानी कि सूरज ढलने के बाद आप इन 12 नामों का जाप किया करें। इससे ग्रह कलेश बिल्कुल दूर हो जाता है। यदि आपके जीवन में जाना या अनजाना भय बना रहता है या आपके दुश्मन आप पर हमेशा ही हावी हुए रहते हैं, तो ऐसे में भगवान हनुमान के यह 12 नाम आपके लिए बिल्कुल संजीवनी बूटी की तरह कार्य करते हैं। ऐसे लोगों को रात को सोने से पहले इन 12 नाम का जाप करना चाहिए। रात को सोने से पहले भगवान हनुमान के इन 12 नामों का जाप करने से भगवान हनुमान की विशेष कृपा उस व्यक्ति पर बनी रहती है, जिससे कोई भी दुश्मन उसे फिर परेशान नहीं कर पाता है, और अगर करने की कोशिश भी करता है तो कुछ भी आपका नहीं बिगाड़ पाता है। हनुमान जी की पूजा और यह 12 नाम अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि भगवान हनुमान चिरंजीवी हैं और कलयुग में भी जीवित हैं, मौजूद हैं, जो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। यह 12 नाम संकट मोचन है, जो संकट को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। सुबह के समय, रात के समय, दिन के समय या फिर कहीं पर भी अगर आप जाते हैं, आपके घर से कोई जाता है यात्रा पर, तो आप उसे जरूर बताएं कि 12 नाम जाप कर निकलने से किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती हैं और जो मुसीबत कष्ट आने वाले होते हैं, जो दुर्घटना होने वाली होती है, वह भी टल जाती है। यही इन 12 नाम की शक्ति है, क्योंकि काफी लोग हमसे इस बारे में पूछते हैं कि उनके जीवन में दुर्घटना या मुसीबत अचानक से ही बहुत ही ज्यादा होती रहती है। तो दोस्तों जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो इन 12 नाम का जाप करना शुरू करें, बस कर देखें और कभी भी आपके जीवन में दुर्घटना जैसी समस्याएं नहीं होती हैं। पीले कागज पर या फिर लाल कागज पर इन 12 नाम को लिखकर आप अपने घर के मंदिर में भी चिपका सकते हैं और उनको धूप और दीप दिखा सकते हैं। ऐसा करने से भी घर के ग्रह कलेश दूर हो जाते हैं। अगर भोजपत्र पर अष्टगंध से इन 12 नाम को लिखकर किसी लॉकेट में भरकर पहन लिया जाए तो यह किसी सुरक्षा कवच से कम नहीं होते हैं, बल्कि बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली यह बन जाता है। इन 12 नाम को अगर आप भोजपत्र पर अष्टगंध से लिख देते हैं और इन्हें लॉकेट में भरवा कर पहन लेते हैं, तो यह आपको भूत प्रेत आदि मुसीबत समस्याओं से दूर रखता है, बल्कि किसी भी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति तंत्र मंत्र आप पर कराता है, बुरी नजर, जादू टोना, इस प्रकार की कोई भी समस्या फिर आपके जीवन में नहीं आती है। जो लोग इन समस्याओं से परेशान रहते हैं उन्हें जरूर ही इस प्रकार का लॉकेट पहनना चाहिए, जिससे उनके जीवन में सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो सकें। इन 12 नाम का जाप करने से व्यक्ति की चारों दिशाओं से रक्षा होती है। सुबह उठते ही अगर कोई व्यक्ति इन नाम का जाप करता है तो उसके जीवन में बीमारी जैसी समस्याएं नहीं आती हैं और दीर्घायु वह व्यक्ति हो जाता है। दोपहर के समय अपने व्यापार स्थल में बैठकर इन नाम का जाप करने से व्यक्ति धनवान बनता है और उसकी पैसों की समस्याएं खत्म हो जाती हैं। रात को यही नाम लेने से व्यक्ति के दुश्मन खत्म हो जाते हैं और कोई भी दुश्मन उसे परेशान नहीं कर पाता है। जो कोई भी इन नाम का जाप करता है, रोजाना इन्हीं नामों से शुरुआत करता है, तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो मनोकामना पूर्ति के लिए रोजाना 9 बार इन 12 नामों का जाप करने से आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यही इन 12 नाम की शक्ति है, बहुत ही प्रभावशाली दोस्तों यह प्रयोग है। इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जिन जिन तरीकों से हमने आपको बताया है, जो भी आपकी समस्या है उसी प्रकार से इन 12 नाम का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में सभी समस्याएं खत्म हो सकें और आपको सफलता मिल सके। जो लोग नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको यही सभी प्रकार की जानकारी सबसे पहले
मिला करे। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई समस्या है तो जरूर कमेंट किया करें, जिससे हम आपके लिए भी वीडियो बना सकें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे सभी लोग इस जानकारी का लाभ उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद दोस्तों।